सतना कर्ता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद राजन मैं तू राजा कहिए भूमन मैं भूमा ठाकुर मैं ठकुराई तेरी कोमन सिर कोमा पिता मेरो बड़ो तनी अगम्मा उस्तत कवन करी जय करते पेख रह विषमा पिता मेरो बड़ो धनी अगम्मा उस्तत कवन करी जय करते पेख रह विषमा जुग जुग अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी पवित्र पावन हजूरी विच हाजरीन सत्संगत जीओ पावन गुरपुरब दी संध्या तवारीखी दिवस साकाई चांदनी चौंक धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी उन्हां दे तीन मरजीवड़े सिख भाई मती दास जी भाई सती दास जी भाई दयाला जी उन्हां दा शहादत पुरब अज जिथे जिथे नानक नाम लेवा मौजूद ने नतमस्तक होके शहीदां नूं याद कर रहे ने। असीं वी अगलेरे कुछ पल उन्हां ही शहीदां ते शहादतां नूं सल्यूट करदिया होया उन्हां दे चरणां ते नमन करदिया शाब्दिक रूप दे विच उन्हां दे शहादत नूं पुष्प अर्पित करदिया होया असीं बतीत करांगे। आओ मर्यादित ढंग दे नाल इह पावन व्याख्यान प्रारंभ करिए। महाराज बख्शिश करन साडी हाजरी दर ते परवान होए। सब तो पहला खाकसार द्वारा बुलाई गई फतेह परवान होए कह देना जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु बाबा जी की पावन बाणी जो साडा इष्ट है गुरु है इहदा बचन बड़ा स्पष्ट आ कि मरण मुणसा सूरियां हक है जे हुए मरहें परवानो। करतार ते बनाए इस कायनाती चक्कर दे विच जीव आउंदा है कुछ समां बतीत करदा है ते अल्टीमेटली तत् तत्तां च विलीन हो जांदे ने। गुरु अर्जन साहिब जी दा पावन संदेश किन्नी वारी असीं पढ़िया दोहराया समझिया पवन है मैं पवन समाया ज्योति मैं ज्योत रल जाया माटी माटी हुई एक रोवन हारे की कवन टेक कौन मुवारे कौन मुआ ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बिचारा एह तो चलत भया। ये चलायमान संसार है। बाबा कबीर जी के बचन आए सो ए संसार पेखना रहन ना को पई है रे सूधे सूधे रैंग चलो तुम नत्र कुतक्का दिवई है रे बारे बूढ़े तरने पैया सब हूँ जम लै जई है रे मानस बपरा मूसा की नो मीच बलैया खई है रे। मनुख तेरी पैदाइश के नाल तेरा संसार तो विदा होना लाजमी है पर यह है धरती ते बंदा किसी असूल नूं समर्पित होके जीए इस तरह जीए कि उन्हों अपने जीवन का वल आ जाए। इस तरह जीवंदा होया धरती तो विदा होए
कि दूसरों वास्ते जाने की प्रेरणा छड़ जाए। फिर यह है जो धरती तो विदायगी है, देखो होनी तो सब दी है, इस कोई शक तो है नहीं गा। महाराज कहिंदे पर हाँ ये पक्की गल है, इहदे बाबत मदर नेचर ही जानदी है असीं किवें विदा होना है, क्या जाना, किवें मरेंगे, कैसा मरना होए, किहो जी मौत होएगी। हाँ जेकर साहिब मनो ना विसरै, असी कई वारी जीवन दे गुजरन दे कारणां दे उत्ते या जीवन दे गुजरन दे ढंग दे उत्ते, मतलब जदों when death takes place people usually talk how someone die or how someone has died or have died। बाबा जी बयान कर दे कि ये तो बहुता मजमून नहीं गा, मजमून यह है कि बंदा धरती ते किस असूल नूं समर्पित होके जिया ते अल्टीमेटली उहदी विदाई किस रूप में हुई, किस असूल नूं समर्पित होके। इहदे विचों जदों असूल बहुत उचेरा हो जाए तो फिर जो सियाने ने दानशमंद ने वो कहिंदे फिर वो आम मौत नहीं रह जाती, वह मौत शहीदी का दर्जा लै जाती है, शहादत हो जाती है। सो दैट काइंड ऑफ डैथ वी कॉल इट मार्टरडोम, वो फिर मार्टर हो जाता। साहेब पातशाह जी ने जो ये जामे शहादत का साका किया, ये शहादत दे विच वो रंग है जिहड़ा धरती दे उत्ते तुहानूं किते नहीं मिलेगा उस रूप दे विच। हालांकि तवारीख दे बहुत सारिया चीज़ां आई वॉज गोइंग टू एक्सप्लेन एंड ट्राइंग टू टॉक, बट उहदे च है कि समा जिन्ना कु सीमित उहदे मुताबक बात पावांगे। गुरमताशे की जिहड़ी सारी बात आ सिक्खी की जो मेन तुरा है उही है कि जियो ते जिउण दिओ, धरती ते लिव एंड लैट लिव। ये कुदरत ने सानू, ये मदर नेचर ने सानू ये हक दिता है, ये हक बंदा बंदे कोलों खोए ये बिल्कुल ना गवारा है, ना कबूले अपराध है, इस रूप में बयान किया गया। हाँ मानवी अहसासां दे विच आपां अपने रहन खाण पीण जीण दे ढंग तरीके होंदे ने, उन्हानू असी मनदे आ नहीं मनदे, स्वीकारदे आ नहीं स्वीकारदे, साडा अपना तरीके करता है। बाबा जी ने आइडियल तरीका भी सिखाया आ, जे धर्म की गल करिए बिकॉज असी धर्म स्थान पर बैठे हाँ, तो गुरु महाराज जी के धर्म की व्याख्या गुरु नानक साहब ने जो की, क्या एको धर्म दृढ़ है सच कोई, धरती तो एको धर्म है और कोई धर्म है ही नहीं गा। वो किहड़ा धर्म आ, दृढ़ है सच कोई, कोई बंदा सच्यार हो जाए, लिविंग विद इंटीग्रिटी ट्रुथफुलनेस, बंदे नूं सच दे मुहाज दा तार नहीं बनाउणा आ, बंदा अल्टीमेट रियलिटी नूं समर्पित होकर जीवन जीए, इस तों वड्डा धर्म की होएगा। उस एक ईश्वरी सत्ता नाल, उस ओंकार नाल आत्मसात होकर जीना, उस वननेस नूं मानना। एको धर्म दृढ़ सच कोई, गुरमत पूरा जुग जुग सोई, तो गुरु की मत मुताबक वो जुगा जुगांतर तक संपूर्ण धर्म है, तो संपूर्ण मनुख है। ठीक है, मनुखिया कई बारी समझ दे लैवल से हौली हौली करके चीज़ा पकड़ चाहुंदियां ने। गुरु अर्जन साहब ने उसनूं होर क्लीयर किया, महाराज कहिंदे सर्ब धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। क्या सब तो सर्वश्रेष्ठ धर्म धरती से, अज भी बंदे इवैलुएट करते हैं दैस रिलीजन इज गुड, दिस रिलीजन इज नॉट गुड, दिस टाइप ऑफ रिलीजन एक्चुअली बैटर एंड दिस इज नॉट काइंड ऑफ ऑन दैट लैवल। सो इवैलुएशन करनी सारे दी सारी, बाबा जी कहिंदे इवैलुएशन करनी है फिर आ करो, इत्थे पता लगेगा कौन पूरा है तो कौन घट है। एको धर्म दृढ़ है सच कोई पहला कॉन्सैप्ट, दूसरा सर्ब धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप, बंदे की सुरत च हर वक्त एहसास होए करतार दा। तो इहदे च पता किहड़ी चीज़ होंदी है, अकाउंटेबिलिटी, वट आर आई एम, वट एवर आई एम थिंकिंग, वट एवर आई एम एक्चुअली स्पीकिंग, वट एवर आई एम डूइंग, आई एम अकाउंटेबल फॉर दैट। जे ये चीज़ बंदे च आ जाए तो किवें ना इंटेग्रिटी आएगी, किवें ना उहदा जिहड़ा इनर इंस्टिंक्ट आ वह प्रोपर काम करना शुरू करेगा। इत्थे जाके क्या कि तू हर को नाम जप, तो फिर यह है धर्म गल्लां बातां च नहीं पूरा हुंदा,
बाणी ने बड़ा सीधा किया, गल्ली असी चंगियां गल्लां तो कोई भी माड़ा नहीं गा। किसी भी तकड़ी तोड़ के देखो हर बंदा कहिंदा, बाणी कहिंदी सब को पूरा आपो होवे घट ना कोई आख है। हर बंदे ही कहिंदा भी जिन्ना मैं पूरा, जिन्ना मैं सच्चा, जिन्ना मैं ठीक है, इन्ना तो कोई हो ही नहीं सकता। मनुख कला भी कहिंदा, मनुखां दे समूह भी कहिंदे, एज ए नेशन कौम कह लो किसी कम्यूनिटी के रूप दे च। पर बाबा जी कहिंदे पता ते तां लगे जे कि यूनिवर्सल क्राइटीरिए दा वह मैजरमेंट ला के देखोगे, उस तक उस वट्टे नूं पाओगे पिछे। सब को पूरा आपो होवे घट ना कोई आख है, पत परवाणा पिछे पाई है। पत परवाणा जिहड़ा असल इज्जत दा वट्टा है वह पाओ पिछे, फिर पता लगेगा कोई पूरा है कि नहीं है। ये भी चीज आ। देखो उर्दू दे आलम ने बड़ा कमाल दा बचन आ, वो कहिंदा शहीदों की कतलगाह से क्या बेहतर काबा। धार्मिक स्थानां दीआं लोकी ज़ियारतां करन जांदे ने, पूजा करन जांदे ने। वो कहिंदा सच यह है जिथे कोई सच की शहादत दे के शाह रग का खून डोलदा है, उस तो पाक जगह कोई नहीं है। जे किते दिल्ली विजिट करन जाओ कदे, ते जे दिल्ली च सब तो पाक जगह ते जे किते सजदा करन दा चित है तो सीसगंज है। इस तो उस धरती नूं इह बख्श मिली जिथे बैठ के मरजीवड़िया ने मनुखता दा वो एहसास करवाया जिहड़ा शायद कदी ना कदी होया होएगा, उस तो पहला ना कदी अज तक होया ना कदी अगे होएगा। टोटल इस रूप दे विच जिथे बंदा एहसास भी नहीं कर सकता भी हद हो गई। जिस धर्म नाल, जिस सोच मंडल नाल, जिस वे ऑफ लाइफ दे नाल दूर का भी वाह वास्ता नहीं है। बल्कि गुरु बाबा जी तो आप मनुखता नूं अवेयर कर दे कि भाई ये कर्मकांडी जीवन ने सब चीज़ों तो बंदे नूं आजाद होना चाहिए आ, पर तरीका मानव पक्षी है। जो आप कई बार देखते हैं ना कि बच्चे नूं तुसीं कुछ समझाना चाहते हो चीज़, तो जिहड़ी चीज़ समझाना चाहते हो तो बड़ी चंगी होए, बड़ी वधिया भी होए, जरूरी नहीं वधिया होए पर मन लिया जाए वधिया होए, तो जे समझाउण दा तरीका ही ठीक ना होए तां उहदे विच जुलम हो जाए। तो इस करके ना मुल्कां दे विच बच्चियां नूं किसे तरीके दे नाल भी फिजिकली जो अग्रैसन अग्रैशन दे विच आ के उहनां नूं पनिश करना, ये सब चीज़ां ते रोक लाई गई, क्योंकि ऐसा ना होए कि ये जुलम हो रहा होए। इस सारे की बात की, हाँ प्रचार प्रसार सब दा हक हकूक है भाई, तो उस प्रचार प्रसार दे विच भी मानववादी कदर कीमत होण, मनुखवादी सोच होए। अज ही साढ़े इस मुल्क दे विच जिहड़ी खास करके सैक्सुअल ओरिएंटेशन दे उत्ते जिहड़ी कन्वर्जन थैरेपी हुंदी सीगी उह उहदे खिलाफ ला बणिया। इहदे बाबत इहदी बड़ी लंबी चौड़ी जिहड़ी है पिछली उस सारी बात आउंदी जे असीं इस पक्ष ते चले जाइए, पर सच्चाई ये है जिहड़ी कन्वर्जन इटसैल्फ है, कन्वर्जन वर्ड जिहड़ा इटसैल्फ आ, ये अज लोगों नूं समझ लगता भी किन्ना नैगेटिव है, किन्ना गलत है, किन्ना खतरनाक है। जिथे फोर्सफुली ये चीज़ की जाती है बंदे दे बिलीव दे, बंदे दे विश्वास दे उस रूप दे, ते उसनूं उहदे ना होण दे या उहदी गल ना मन्ने जाण दे, जान उहदी जिहड़ी लै ली जाती होए। इस सारे दे बाबत गुरु महाराज ने उस समय दे विच जदों शायद कोई बंदा सोच भी नहीं सकता, उस समय दे विच एक मनुखता वास्ते मिसाल कायम की। बाकी ये है बाणी दा आशा सारा। बाणी अज असीं कहिंदे ना कि हारमोनी जनरेट करनी है, मल्टी कल्चरल, मल्टी फेथ, मल्टी कम्यूनिटी सोसाइटी बिल्ड करनी है, बट स्टिल समटाइम पीपल रियलाइज वट वुड बी द आइडियल दैन। भाई इस तो आइडियल की होएगा, ये किसी होर दी जिम्मेवारी भी नहीं। जे असी गुरु के पुत्र खवाने तो जिम्मेवारी तो साड़ी बनती सब तो पहला, इस चीज़ को समझना, इस सिम का एहसास करना। वार वार बात ता कर रहे हैं ताकि ये सिग्निफिकेशन इस रूप से समझ सकी। इतिहास की बात भी थोड़ी पा देना, पर नाल जिवें एग्जाम्पल रूप में बात करा तो कुछ साल पहला मैं एक क्रिश्चन चैपलन के नाल एक्चुअली जिहड़ा सीगा इतों किसी चर्च के ड्यूटीज़ उदा सीगा,
ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਲੌਂਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੌਂਗ ਜਰਨੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਦਰ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਰਸਨਲ ਟਾਕ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੋਨੋਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਮਾਇੰਡ ਕੈਨ ਆਈ ਆਸਕ ਯੂ ਸਮਥਿੰਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੋਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਓਨੈਸਟਲੀ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਟੋਲਰੇਟ ਪੀਪਲ ਹੂ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਯੂਰ ਰਿਲੀਜਨ ਔਰ ਡੋਂਟ ਐਕਚੁਲੀ ਬਿਲੋਂਗ ਫਰੋਮ ਯੂਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿਸ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਆਉਣ ਦਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਦ ਵਰਡ ਟੋਲਰੇਟ ਇਟ ਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ ਬਲੀਵਰ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ਼ਨਰ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਊਟੀ ਐਟ ਫਸਟ ਲੈਵਲ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਸੇਮ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫਾਰ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਔਨ ਦਿਸ ਅਰਥ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਦੈਟ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਐਂਡ ਵਿਚ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਲੀਵਸ। ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਈ ਓਨ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਈ ਓਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਅ ਸਿੱਖ, ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਕਲੇਮ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਟੂ ਆਈਡੀਅਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮ ਮੋਸਟ ਟਾਈਮ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਪਲ ਸੇ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਇਟਸ ਟੂ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬਿਲੀਵ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਈ ਕੈਨ ਐਕਚੁਲੀ ਗਿਵ ਯੂ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਐਕਚੁਲੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਬਾਈ ਯੋਰ ਸੈਲਫ। ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਿਟਲਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਂਡ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ, ਯੂ ਕੈਨ ਕੋਰਲੇਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਤੁਸ ਵੀ ਬਿਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਧਰਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਰਿਪੇਖ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਰਿਪੇਖ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਆਰ, ਸੁਨੇਹ, ਖਲੂਸ, ਮੁਹੱਬਤ। ਆਪੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਲੂਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਵ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਵ ਐਂਡ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਲਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦਾ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ, ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਸੱਟਦਾ, ਕੈਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਤੁਸਬ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਆ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾ ਰਲਦੀ ਹੋਏ, ਸਵਾਰਥ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਤੇ ਟਕਰਾ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ ਬਾਤ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ
अपने भरावां दा कतल करे कैसा इंसान होएगा। शरेआम सिर वढ के थाल च परोस के अपने बाप नूं पेश करे तोहफे दे रूप दे च, मतलब ये तसब दी इंतहा है। ये सब करदिया होया फिर ये अखवाना कि मैं एक आलमगीर हाँ, ज्यौंदा पीर, धर्म का मुजस्म हाँ। तो वह तो फिर ता ही हो सकता है जो कुछ यहोजा एक्स्ट्रा कम किया जाए धर्म की दुनिया के, जोड़ा लोग कह भी हाँ भाई। फिर उस रूप है कि इस्लामिक रवायतों के जिहाद चलाना, धर्म की मानता दे उस आके लोगों के इमोशनस न कैश करना, सो यह सब करने वास्ते फिर उन्हें वो कम किया। खास तौर पर कश्मीर के इलाके ऑर्डर किया कि कंप्लीट कन्वर्जन, जिन्ना इत्थे है सिर्फ एक ही रंग होए। वैसे तो इन्हों का नारा यही सीगा पूरी दुनिया बारे, दुनिया दौलत इस्लामिया जो तस्बी रूप आ। कई बार बात हुई दे बारे जो तो 9/11 होया ना, तो उस वक्त मैंने कुछ सज्जना ने पूछा, आई वॉज स्टूडेंट दैट टाइम एंड समवन आस्क्ड मी, भाई साहब यू एक्चुअली रीड लिटरेचर, यू गो थ्रू द हिस्टोरिकल थिंग्स एज वेल एज यूर लर्निंग फ्रॉम गुरबाणी साइट अ लॉट ऑफ सिखी वैल्यूज एंड सिखी स्कूल, व्हाट डू यू थिंक इस्लाम का की बनेगा, बिकॉज नाउ दे हैव एक्चुअली पोर्ट्रेट वेरी रेडिकल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड आफ्टर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग दीज टू एक्चुअली ट्विन टावर्स इन अमेरिका। बड़ी वड्डी बात हुई इस रूप एकदम, मतलब लोगों के बरखिलाफत आ गई, जिन्हों कह लो कि मिस आइडेंटिफिकेशन दे सदका या मिस आइडेंटी आइडेंटिटी दे सदका, साढ़े लोगों भी बड़ा इतने उस रूप संताप हंडाया अमेरिका के अंदर, खास करके उन्होंने दिनों दे की बनेगा। तो मैं उन्होंने बड़े ऑनेस्ट वे बात की, मैं कह दे दो रंग ने, इस्लाम एक वो है जिहड़ा बाबा फरीद फैलाना चाहता है, वह धर्म है, उहदी बात दुनिया के हर खिते च हो सकती, ईवन साढ़े गुरुद्वारा साहब दे विच हो सकती, जिस बाणी च दर्ज होए कि उठ फरीदा उजू साज सुबह निवाज गुजार, ये मसीत की बांग ही होर की नमाजा पढ़ पई आ। फिर इतने ही नहीं, इतने तो शायद तालिबान या अलकायदा वाले भी धर्म के या मजहब के उस रूप में परिपक्ता दे विच नहीं होंगे जिन्हें बाबा फरीद जी ने, जिन्होंने यह किया उठ फरीदा उजू साज सुबह नमाज गुजार, जो सिर साई ना निवे सो सिर कप उतार। यहो जहा सिर ते सालम ही नहीं रहना चाहिए जिहड़ा खुदा दे सजदे च ना जाए। इस इस्लाम नू कल भी सलाम है, अज भी सलाम है, आउंदे कल भी सलाम होएगा, पर एक इस्लाम वो है जिहड़ा औरंगजेब फैलाउणा चाहुंदा है, ना वह कल फैलिया सी ना वह अज फैलेगा ना आउंदे कल उहदा कोई भविख होएगा। इस इस्लाम का इस कट्टरता का तुसबता का प्रतीक है औरंगजेब। खैर कश्मीर दे विचे क्या कि एक वाडे तो बिल्कुल कंप्लीट कन्वर्जन करती जाए, हुण भारतीय खिते की हालत कैसी होएगी इस बाबत, हालांकि अज बदलते समाज तो बदलते जमाने के नाल लिखता भी बदल रही ने, किताबा भी बदल रही ने, सब कुछ बदल रहा। रीसेंटली साढ़े उत्थे एक किसी ने एक शोभा यात्रा के रूप में एक इकट्ठ करके यात्रा कढ़ी, तो क्या भी यात्रा की कहते जी ये ऋण उतार यात्रा है, गुरु तेग बहादुर साहब ने जिहड़ा करजा साढ़े चढ़ाया से करजा लाने चले हाँ, हद हो गई तुसी करजा लाओगे उस पवित्र खून का। आप जे देखिए ना तो सच्चाई ये है, साढ़े आलम ने बड़ा कमाल दे लफ्ज लिखे, वह कहिंदा है चांदनी चौंक सदका अज तक है कायम नक्शा हिंदू ते हिंदुस्तान वाला, अदरवाइज जो बात कवि संतोख सिंह चूड़ामणि जी ने लिखी हो, कहिंदे छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती हो भी तिक चीलता किताबन कुरान की, पाप परपक जाते वर्ण घसक जाते धर्म थसक जाते रीत मिट जाती वेद कथा वेदन पुराण की, रीत ही मिट जानी सी इत्थे ते नहीं रही रीत। अफगानिस्तान सारे का सारा बोधियां का प्रसार का रूप हुंदा सीगा, सनातनी या बोधरी तो बिना कुछ भी नहीं सी हुंदा। अज भी आ पिछले समय तक बामियान
पहाड़ जिड़ियां वड़ियां वड़ियां मूर्तियां स्थापित से गया। और आप देखो कि एक माड़ा जा कितने मिल जाए, रीत ही मिट गई, यही रीत मिट जानी सी सारे सारे, एको ही रंग हरा रंग रंगया जाना सी सारे का सारा। उस महाराज जी ने पंडित मदन मोहन मालवी, बड़ा कट्ट सनातनी धारा विचों आ रहा शख्स है, उन्हें अपने लैक्चर अपनी किताबें च बात लिखी, कहिंदा मैं उस हिंदू नू हिंदू नहीं मनदा जिहड़ा अपने मंदिर का टल खड़काण तो पहला गुरु तेग बहादुर साहब की जय नहीं करता। कहिंदे जिस शाह रग के खून ने डुल के इस धरती के उत्ते जिहड़ी है विचारधारा ते सोच नू किसे रूप दे च सा दवाया सीगा। खैर रिण उतार यात्रा, रिण उतार यात्रा, दानशमंद दे बचन वह कहिंदा है चांदनी चौंक सदका अज तक है कायम नक्शा हिंदू ते हिंदुस्तान वाला। चांदनी चौंक दी होई कृपा ते साजिया गया सी पंथ कृपान वाला। इस शहादत विचों जिवें इस तरह भी है कि असी आउंदे दिनां च बात पावांगे साहिबजादियां दी शहादत ते होर कुछ रंगां दे विच, पर जे पूरी तवारीख पढ़ो गुरु गोबिंद सिंह साहब दी स्ट्रगल ते उस तो बाद वाला सारा दा सारा रूप ते उहदे च जिहड़ियां शहादतां ने सिखां दियां, भाई मती दास जी, भाई तती दास जी, भाई दयाला जी ते गुरु तेग बहादुर साहब जी दी, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸੋਰਸ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦਾ। ਇੱਕ ਆਲਮ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਪ ਤੋਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੋੜਮੇ ਤੋਂ ਵੱਢ ਵਢਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਲੇ ਲਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਨਾਤਨੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਤਬੇਰ ਲੋਕ ਸੀ ਗੁਆ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਰ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮਰ ਗਏ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਵਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਨਾਤਨੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਹਾਥੀ ਚੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹਾਥੀ ਚੜਵਾਇਆ। ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਜਦੋਂ ਸਾਲਮ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਇਹ ਸੀਗੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਿੱਥੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਓਤਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਸਰਫਰੋਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੀ ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਿੱਥੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਓਤਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਡੋਲਾਂਗਾ ਤਿੱਥੋਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਜ਼ੀਮ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ 600-700 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਇਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਸਕੇ, ਰਹਿ ਸਕੇ, ਖਾ ਸਕੇ, ਪੀ ਸਕੇ, ਜਿਉਂ ਸਕੇ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ ਕਾਇਮ ਨਕਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਾ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਥ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਾ ਸਿਰੜ ਕਾਇਮ, ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਿਰੜ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਰੜ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ, ਬਾਂਹ ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਦਲਦੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ
कुछ नक्श नुहार मिल जाते हैं। रीसेंटली एक मूवी बन के आई सी बॉलीवुड की, क्योंकि असी किताबा तो बहुतिया नहीं पढ़ते, पर हाँ सिनेमा सुनेमा तो सारी देखते हैं, ये कोई शक नहीं गा वे लैवल से। बाकी तो बात सारी इंज लगता जिमें भाई सब को कहानी सुना रहे हैं, अफसाना सुना रहे हैं। हालांकि जो बात की है उसके प्रति मैं जवाब दे हाँ, कैमरे पर रिकॉर्डेड है, फोर एवर है, मैं होव ना होव यह चीज़ होएगी इतने इस रूप के जो कुछ तुहाडे सामने बयान किया है तत्थों के आधारित गुरु के हजूर बैठे हाँ। ये सब चीज़ा जीडिया अजय तो इट्स नथिंग, इट्स जस्ट ये तो टिप्स ऑफ ए आइसबर्ग भी नहीं कह सकते, छोटा जहा हिस्सा भी नहीं है तवारीख का। खैर जी बेनती कर लगा वो आपने मूवी देखी होनी शायद वो पद्मावती करके वह ना रीसेंटली बड़ा रौला रप्पा पिया से। हालांकि उन्होंने अपने तरीके एक मतलब सिनेमे के रूप में बयान किया, पर आप सोच के देखो उस समय के जो अजे ये मुगलिया हुक्मरान अजे कायम हो रहे ने इत्थे अजे स्थापित हो रहे ने, तो बिल्कुल रेगिस्तान दियां कंदरां दे विच पहाड़ी किलियां च बैठे हुए लोग वो अपने आप नूं महदूद सेफ महदूद महदूद जिहड़ा हैगा सेफ महसूस नहीं करते। फिर मैदान के इलाके च ते की हाल होएगा सोच के देखो, मैदानी इलाके च कौन उन्हां दे सामने सिर चुकण की हिम्मत करेगा, बिल्कुल सावे धरती दे सामने उस रूप दे विच फिर हुण कौन बांह फड़े, कोई पहाड़ी राजा, कोई राजपूत राजा, कोई होर कोई किसी रूप दे। हाँ एक चीज़ स्थापित की है गुरु हरगोबिंद साहब ने, चार जंगा लड़िया तो चार जितिया। धन गुरु तेग बहादुर साहब का प्रकाश दिहाड़ा ही प्रकाश साल ही जोड़ा है 1621 है, यो दिन है उस वर आया जिस वरे च पहली जंग गुरु हरगोबिंद साहब लड़ते हैं, जदों लाहौर तो मुर्जा खान फौज लैके आता है, तो महाराज पहली बार कुछ 650-650 साल के समय के मुगलिया फौज लाहौर के सूबेदार की फौज अमृतसर के सावे मैदान के उत्ते हारती है। लोगों को पता लगता है मुगल भी हराए जा सकते हैं। फिर दूसरी जंग होंदी है हरगोबिंदपुरे की, फिर महराज की जंग होंगी, फिर चौथी जंग होंगी करतारपुर की। साढ़े सोर्स छड़ो जिहड़े फारसी जबान च लिखे गए सोर्स ने, दबिस्ताए मजाह वर्गियां किताबां ते होर इहो जो बयान करदे 90,000 गाजी गुरु हरगोबिंद साहब के खिलाफ चढ़ के आया, जिहड़े कफन नाल बन के आए जंग चलिया धर्म की जहाद के नाँ के उत्ते। 5,000 सिख सी गुरु महाराज के कोल, नोट मोर दन दैट, जिहड़ा पैंदे खां का सारा तसव्वुर साढ़े बंदे ने लिखिया हुंदा, किसी ने सी मनना, ये मोहसिन फानी ने लिखिया पूरा प्रसंग किवें मैदान दे गुरु महाराज ने पैंदे खां नूं तीन वार कराए, तो चौथा वार महाराज ने कराया, वार इंज नहीं इंज करीदा चाक करके रखता। उन्हें बयान किया गुरु मैदाने जंग दे विच भी मां की ममता लैके सामने दुश्मन नूं पेश हुंदा, ये बातां उन्हें कीतियां सारियां। खैर 90,000 गाजी नूं 5,000 सिखां ने जिहड़ा हैगा बिल्कुल आहू ला के रख दिते। गुरु हर राय साहब 2200 घोड़ सवार लैके हर वक्त पंजाब के फिजां तुरदे, किसी ने हिम्मत ना की अख भर के वेख लवा उस रूप दे। गुरु हरकृष्ण साहब दिल्ली तक गए, उस लैवल ते किसी हिम्मत ना पई उस रूप दे सारी अरैसटिंग वास्ते किसी रूप दे विच भी। हाँ गुरु तेग बहादुर साहब दी अरैसटिंग हुई, दो अरैसटिंग पहला हुई, पर दोनों अरैसटिंग औरंगजेब नूं छड़ना पिया। राजा जय सिंह सवाई का मुंडा राम सिंह वह गुरु महाराज के बिल्कुल अपने महलों गुरु साहब ठहरांदा रहा जाके, जिहड़ी असाम की तो मुगलिया हुक्मरान की ट्रीटी हुई उस गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना योगदान पाया, कंट्रीब्यूशन किया। खैर ये सारी बात फिर कदों वापरदी, उदों वापरदी जदों कश्मीरी ब्राह्मण मतलब आरजी बन के एक अरजोई लैके 500 ब्राह्मणा का डेलीगेशन कृपा दास दत्त की अगवाई आनंदपुर पहुँचता है। साढ़े तवारीखी ग्रंथ बयान करते हैं, दुखी है बिपर जो चल के आए पूरी आनंद, बाह हमारी पकड़ी है गुरु हरगोबिंद के चंद। असी तो महाराज बस दुखी हाँ, असी तो गुरु हरगोबिंद साहब वाल वेखते हाँ जिन्होंने इस धरती के उत्ते धरती मनुखा जीना सिखाया। ये खाली बचन नहीं, जे जी पत लत्थी जाए सब हराम जेता कि सिखाए, गुरु साहब ने प्रैक्टिकली चीज सिखाई तो उस लैवल से लिया जिथे जाके तख्तों की स्थापति हुई, जिथे जाके दरबार स्थापित होए, जिथे जाके घोड़िया दियां काठियां ते चढ़ना, धरती दे उत्ते जीवन वालियां दे सिरां ते दस्तारां ते पग्गां सजनियां, जिथे मीरी ते पीरी दे संकल्प आउणे, जिथे शमशीरां ते शमशीरां दे दस्तियां च योधियां दे हत्थ पैणे, ये सारे रंग विखाए। पर हाँ गुरु दा कार्य धरती ते सिर्फ अनार जिहड़ी है जिहनूं असीं अनारकी कहिंदे आ अराजकता फैलाउणा नहीं गा। गुरु ने सिख नूं
फाइटर नहीं बनाया, ना ना, समटाइम वी टोटली प्रेजेंट रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू टू वर्ड आवर गुरु। फाइटर नहीं, लड़ाके थोड़ा बनाया गुरु, ना ना, लड़ाके तो बंदे होछे होंगे, सिख लड़ाके नहीं है, बींग सिख लड़ाका नहीं होया जा सकता। लड़ाका तो हर वक्त अपनी बांह की सलीव चढ़ा के तो हर वक्त लड़न लिए तैयार रहिंदा है ना। गुरु साहब ने सिख नू वॉरियर बनाया, योद्धा बनाया। योद्धा लड़दा नहीं, अखीर तक जदों तक यह हालात ना बन कि हुण आखिरकार शमशीर के दस्ते नू हाथ पाउण तो बिना कोई होर जरिया नहीं बचिया। योद्धा वह हुंदा आ जिहड़ा अपनी जान दे के भी धरती के उत्ते शांति की स्थापति करता है। ये ने गुरु तेग बहादुर महाराज, क्या वाक्य च जुलम हो रहा है, यह सच है। साहबजादा गोबिंद राय उन्हां दी सलाह, गुरु तेग बहादुर साहब देखो कैसा बेटा या ते कैसा बाप या। अज भी असं बाप बेटे की रिलेशनशिप लभदे आ, मतलब किवें दी होनी चाहिए, एवें दी होनी चाहिए है। आ मिसाल इत्थे पुत 40-40, 50-50 साल के हो जाते, बाप कहिंदा तू मैनू सलाह देगा, मैनू दसेंगा तू प्यो कौन है इत्थे। इत्थे देखो तुसी 9 वरे दी अरब लाया, बाप नू क्या, बाप ने क्या, जो सदके पुत तेरा क्या सिर मत्थे जामे शहादत लई। खैर समा हो गया, अंतम बेनती करके समाप्ति कर देना। महाराज गए कविता कह के समाप्ति कर देना, क्योंकि तवारीख दी केड़े केड़े रंग नू बयान करिए। दानिशमंद कहिंदा है कि मती दास नू आरे नाल चीरिया, जद काजी अब्दुल वहाब वोरा उन्हें फतवा लाया, मती दास जी नू आरे नाल चीरिया गया बन, उस रूप लकड़ां च बन के। वो कहिंदा मती दास नू आरे नाल चीरिया, जद सती दास नू जदों जला बैठे, गली दाल भी फिर नहीं दुश्मनां दी, देगे विच दयाले नू पा बैठे, एक तो बाद एक शहादत हो दी गई। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਯਰਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੈਰ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਦੇ ਬਚਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ, ਜਦ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਲਾ ਬੈਠੇ, ਗਲੀ ਦਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਦੇਗੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਪਾ ਬੈਠੇ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਰੋ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਜਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਇਬਰਤਨਾਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਜਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਨਾ ਡਰਨ ਆਇਆ ਨਾ ਡਰਾਉਣ ਆਇਆ, ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਹਿ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਪਹਿ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਓਏ ਮੈਂ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਆ। ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਨ ਆਇਆ ਨਾ ਡਰਾਉਣ ਆਇਆ, ਲੋਕ ਚਾਹ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਥਾਂ ਮਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪੈਲ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਆ, ਇੱਕ ਮਕਤੂਲ ਆਪਣੇ ਕਾਤਲ ਕੋਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਕਿਤਨਾ ਬਾਜ਼ੂਏ ਕਾਤਿਲ ਮੈਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਵਿਖਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਬਲ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਬਲ ਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਵਾਂ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਲੋਕ ਚਾਹ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਥਾਂ ਮਰਨ ਆਇਆ, ਮਰਨ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਮਿਲਣਾ, ਜੋ ਜੋ ਅੱਜ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ 'ਤੇ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 9 ਦਿਨ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ, 9 ਜਾਮੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 9 ਜਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਐਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਸੀਸ ਤੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਉਸ ਖੂਹ ਦੀ ਮਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਤਵਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਤਵਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, 4 ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ, ਇੱਕ ਅਜਮੀਰੀ ਗੇਟ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ, ਇਹਨਾਂ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਐਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ,
ना उत्ते सीस छड़िया ना धड़ छड़िया। वो जिहड़े गुरु के प्यारे ना उत्ते सीस छड़दे ने धड़ छड़दे ने, गुरु नूं नहीं ले जा सकते, आसानी नाल ले जा सकते सी। उन्होंने सारे रंग नूं साडे सामने पेश किया कि धरती ते जिउणा तां ही परवान है, जिहने बात कीती सी मरन मनुसां सूरियां हक है जे होए मरै परवान। धरती ते मरना भी हक हो जांदा ते परवान पै जांदा। उस धरती ते सीसगंज साहिब गुरुद्वारा सीसगंज साहिब चांदनी चौक जाओ, उत्थे जाके सिजदे च सीस झुकाओ ते एहसास करो मेरे साहिब ने की कीता है। मैं बात शुरू कीती सी कि शहीदों की कतलगाह से क्या बेहतर काबा, उनकी खाक पे खुदा भी परवान चढ़ता है। जिथे कोई शहादत दा खून डोल जांदा ना, उस तो पाक जगह धरती ते वड्डे तो वड्डा धार्मिक स्थान भी नहीं गा। इस धरती ते लोगों ने बड़े तीर्थां दीआं गल्लां कीतीआं, पुरियां ताम सब छुट गए जिदन गुरु तेग बहादुर महाराज जी की पावन पाक शाह रग का खून उस खिते च उस धरती ते डुल गया। नमन करदे उन्हां शहीदां नूं कुटान कोट, ते अरदास करदे आ मालक असीं वी एटलीस्ट तेरे बाबा सिख अखवा के धरती तो विदा हुई है। इन्नी एक बिनती नड़खेवा भुलां गलतियां लई माफ़ी, रागी वीरां तो माफ़ी चाहना, उन्होंने 10 मिनट मैं जाया किए ने, इतने समाप्ति करना जी। कह देना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।